जब हम लोग वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो ये जो मैं तुम लोग को नोट्स प्रोवाइड करें, या तो इन नोट्स के पहले 50 क्वेश्चंस कर लो, ठीक है ना? 50 क्वेश्चंस क्यों है? छोटे छोटे, कोई क्वेश्चन 1 लाइन के होंगे, कोई 2 लाइन के होंगे, कोई 3 लाइन के होंगे, कोई 4 लाइन के होंगे, दैट्स ऑल, ठीक है ना? या फिर क्या करो, आखिरी के 10 से 12 क्वेश्चन कर लो, जो सारी की सारी क्या है, लॉन्ग आंसर्स, ठीक है? ठीक है, नेम थ्री इंस्टीट्यूशंस दैट प्ले अ की और मेजर रोल इन डिसीजंस इन इंडिया. तो हमने कहा तीन इंस्टीट्यूशंस जो मेजर रोल प्ले करती है नेशन में, वो कौन सी है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ठीक है ना? अब हम लोग को क्या करना है, ये छोटा सा केस स्टडी पढ़ना है, किसका? ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ ऑन इशूड ऑन August 13, 1990, ठीक है ना? August 13, 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया, ठीक है ना? इस ऑर्डर का नाम क्या था? ऑफिस मेमोरेंडम. ऑर्डर ने क्या अनाउंस किया कि 27% ऑफ द वैकेंसीज है जो सिविल पोस्ट और सर्विसेज में है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हम रिजर्व करेंगे किसके लिए? सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है ना? यानी कि अभी तक जो जॉब रिजर्वेशन था वो किसके लिए था? शेड्यूल कास्ट और एक शेड्यूल ट्राइब्स. लेकिन अब एक तीसरी कैटेगरी आ गई, SEBC, ठीक है ना? और जो इन बैकवर्ड क्लास की को बिलोंग करते हैं, उनको 27% जॉब रिजर्वेशंस मिलेगी. दूसरे लोग इन जॉब्स के लिए कम्पीट नहीं कर सकते. ये आंसर में कीवर्ड्स क्या हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑर्डर, ऑफिस मेमोरेंडम, 27% सीट्स कहाँ पर? सिविल पोस्ट और सर्विसेज में. किसके लिए रिजर्व हुई? सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ठीक है ना? अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ कि हमारे देश में दो तरह के रिस्पॉन्स जनरेट हुए, एक प्रोटेस्ट और एक काउंटर प्रोटेस्ट, ठीक है ना? अब क्यों प्रोटेस्ट हो रहे थे और क्यों काउंटर प्रोटेस्ट हो रहे थे? तो दो तरह के ग्रुप्स थे. एक ग्रुप था जो बोल रहा था कि इस तरह की रिजर्वेशंस देना गलत है. क्यों गलत है? बिकॉज इट वुड डिनाई अपॉर्चुनिटी टू दोज हु आर मोर केपेबल, कि ऐसे लोग जो क्या है, जो ज्यादा डिजर्व करते हैं इन जॉब्स को, उनको ये जॉब्स नहीं मिलेगी. क्यों? क्योंकि वो SEBC को बिलोंग नहीं करते. और काउंटर प्रोटेस्ट उन लोगों के थे जिनको लग रहा था नहीं, आपको ये रिजर्वेशंस देनी चाहिए, क्योंकि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको आज तक क्या नहीं मिल पाई है, वो सारी जॉब रिजर्वेशंस नहीं मिल पाई है, उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज, इतना पैसा, ये सब कुछ नहीं है. आ रही है बात समझ में? तो जो मंडल कमीशन रिपोर्ट थी उससे क्या हुआ, प्रोटेस्ट भी हुए और काउंटर प्रोटेस्ट भी हुए. क्यों हुए? क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज अफेक्ट हो रही थी. सम फेल्ट दैट जॉब रिजर्वेशंस वर एसेंशियल टू कोप अप विद द इनइक्वालिटीज, क्योंकि तो टाइम में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज है. अलग अलग कास्ट को अगर आपको इक्वल लेवल पे लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिजर्वेशंस देनी पड़ेगी. अदर फेल्ट दैट इट वॉज अनफेयर एज इट वुड डिनाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू पीपल हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज, दैट इज दे वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन इफ दे वर मोर क्वालिफाइड. तो अगर वो ज्यादा क्वालिफाइड भी हैं तो भी उनको जॉब्स नहीं मिल पाएगी, ठीक है? तो ये जो मंडल कमीशन था, इन्होंने इसको मंडल कमीशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके जो हेड थे वो क्या थे? मिस्टर बीपी मंडल थे, है ना? और इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा था, सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन एस्टेब्लिश किया था. कब? 1979 में. इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि आप किन लोगों को मानोगे, आप क्या क्राइटेरिया यूज करोगे, कि ये समझने के लिए कि ये लोग SEBC यानी कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है भी कि नहीं. तो बेसिकली जो मंडल कमीशन था वो क्या कर रहा था, वो देख रहा था कि आप क्या क्राइटेरिया लगाओगे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से लोग सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं और कौन से लोग सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है. आई बात समझ में? तो क्या हुआ, ये सारी जो कहानी हुई, प्रोटेस्ट हो रहे थे, काउंटर प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो यहाँ पर जो लेजिस्लेशन था, जब ये रिजर्वेशन हुई, तो रिजर्वेशन में किसका रोल था? लेजिस्लेचर का, ठीक है ना? आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से लोग SEBC में हैं, ये कौन कर रहा था? एग्जीक्यूटिव कर रहा था. जैसे हमने पढ़ा तीन ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. जब प्रोटेस्ट हुए, काउंटर प्रोटेस्ट हुए, लॉ में सारी मतलब कोर्ट में इस चीज को लेकर क्या हुआ, केस हुए, तो कोर्ट्स ने क्या करा, डिस्प्यूट सॉल्व किया, अपना वर्डिक्ट दिया कि नहीं, हम लोग रिजर्वेशंस देंगे क्योंकि सोसाइटी में रिजर्वेशंस की जरूरत है. तो यहाँ पे इस केस से हमको तीनों ऑर्गन्स का क्या हुआ, एक थोड़ा सा रोल का ग्लिम्स समझ में आ गया, ठीक है ना? अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ स्टेट का हेड
और हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी, क्या बोला, हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी किसके हाथ में होती है, प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, किसके हाथ में होती है, प्रेसिडेंट, ये कौन सी है, फॉर्मल अथॉरिटी। लेकिन एक्चुअली सारे गवर्नमेंट पावर्स कौन एक्सरसाइज करता है, तो वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द कंट्री नहीं, वो क्या, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जो एक्चुअली क्या करेगा, सारे पावर्स एक्सरसाइज करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। तो कैबिनेट मीटिंग्स में जो भी डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। ठीक है ना, डिस्प्यूट होगा तो कौन सेटल करेगा, या तो हाई कोर्ट्स या तो फिर सुप्रीम कोर्ट्स। ठीक है, अब जब हम लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो हमने कहा गवर्नमेंट की सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू इट्स सिटीजन। ठीक है, ये प्राइमरी, कि आप अगर एक देश में रह रहे हो तो आपको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सेकेंड है प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल, हम लोग सब लोग को क्या करेंगे, एजुकेशन हेल्थ। तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिक्योरिटी, दूसरी एजुकेशन एंड हेल्थ, तीसरा वो सारे टैक्सेस कलेक्ट करेगी और ये पैसा खर्च करेगी कहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और वो सारी की सारी वेलफेयर स्कीम्स क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लिस्ट सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, तो पहला पॉइंट सिक्योरिटी, दूसरा हेल्थ एंड एजुकेशन, तीसरा टू कलेक्ट टैक्सेस एंड स्पेंड द मनी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, और फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स वेलफेयर स्कीम्स। अब ये सारा काम गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, ये सारा काम गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, इसलिए हमें क्या चाहिए, इंस्टीट्यूशंस चाहिए, हमें क्या चाहिए, इंस्टीट्यूशंस चाहिए। इसलिए ये सारी अरेंजमेंट्स जो एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में होती है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, जहां पर हर इंस्टीट्यूशन को एक असाइन फंक्शन होता है, और हर इंस्टीट्यूशन के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा है, बेसिक रूल्स एस्टेब्लिश कर दिए हैं किस चीज को लेकर, कि इनके पास ये पावर रहेंगे और इनके पास ये फंक्शंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहे। ओके, नेक्स्ट, अब कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ काम करती, तो हमने कहा तीन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर में कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर, उनका कैबिनेट और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एग्जीक्यूटिव में क्या आते हैं, हमारे सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, जैसे हमारे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स, और वो पॉलिटिशियंस या लीडर्स जो ग्राउंड लेवल पे हमारे लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। और तीसरा जुडिशरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जो बिटवीन सिटीजंस, बिटवीन गवर्नमेंट्स, बिटवीन टू गवर्नमेंट्स, बिटवीन सारे डिस्प्यूट्स क्या करेगी, सेटल करेगी। लेकिन इन इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना बहुत बार क्या होता है, फ्रस्ट्रेटिंग, क्या होता है, फ्रस्ट्रेटिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई डीलिंग विद इंस्टीट्यूशंस कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, तो यहाँ पहली चीज है कि इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आरआर, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है ना, एमसी, मीटिंग्स कमिटीज और रूटीन्स होते हैं, पहला रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, दूसरा मीटिंग्स कमिटीज और रूटीन्स होते हैं, जिस वजह से डिले और कॉम्प्लिकेशन होंगे, जिस वजह से डिलेज और कॉम्प्लिकेशंस होंगे, और इसलिए इंस्टीट्यूशंस के साथ डील करना आसान नहीं है। तो व्हाई डीलिंग विद इंस्टीट्यूशंस कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स, पहला आरआर, रूल्स एंड रेगुलेशन, दूसरा एमसीआर, मीटिंग्स कमिटीज एंड रूटीन्स, इट लीड्स टू व्हाट, डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस, एंड देयरफॉर डीलिंग विद देम कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। ठीक, फिर भी इनके साथ डील करना क्या है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, तो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स क्या बोलती है कि इंस्टीट्यूशंस होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, तो हमने कहा अगर इंस्टीट्यूशन है तो हम लोग एक वाइडर सेट ऑफ पीपल को क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वी कैन कंसल्ट अ वाइडर सेट ऑफ पीपल। अगर आप वाइडर सेट ऑफ पीपल को कंसल्ट कर रहे हो तो डिसीजंस जल्दी तो नहीं हो पाएंगे, डिसीजंस जल्दी नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप बहुत फास्ट रश करके गलत डिसीजन भी नहीं लोगे। आ रही बात समझ में, तो भले इंस्टीट्यूशंस की वजह से क्या होती है, डिलेज और कॉम्प्लिकेशंस होती है, आप डिसीजंस जल्दी नहीं ले पाते, बट ये इंस्टीट्यूशंस हमें रोकती है कि हम कोई गलत डिसीजन बहुत जल्दी में ना ले लें। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट इन अ कंट्री।
इम्पोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी आंसर है। पहली बात ये होती है फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। ये क्या होती है? फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। लॉ मेकिंग का टास्क इतना क्रूशल और इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इन असेंबलीज को हम लोग लेजिस्लेचर्स कहते हैं। इनके काम क्या होते हैं? पहला, नए लॉ बनाओ, एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज करो, एग्जिस्टिंग लॉ को अबॉलिश कर दो या खत्म कर दो और इनकी जगह पर नए लॉ बनाओ। मतलब पार्लियामेंट का कुल मिला के काम क्या है? रूल्स और लॉज बनाना। आई बात समझ में? तो दिस द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन अ कंट्री। ये लॉ मेकिंग का फंक्शन इतना क्रूशियल होता है कि इन्हें क्या हम लोग कहते हैं? लेजिस्लेचर्स कहते हैं। लेजिस्लेचर्स का काम क्या होता है? लॉ, नए लॉ बनाना, एग्जिस्टिंग लॉज चेंज करना, एग्जिस्टिंग लॉज को अबॉलिश करना और उनकी जगह पर क्या करना? न्यू लॉज बनाना। ठीक है, नेक्स्ट। हाउ डज पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट? तो हमने कहा पार्लियामेंट जो होता है वो एक्चुअली जो गवर्नमेंट चला रहे हैं उनके पास हमें उनके ऊपर हमेशा क्या करते हैं? पावर अपना एग्जर्ट करते हैं। और इंडिया में इस तरह का कंट्रोल बहुत डायरेक्ट होता है और फुल होता है। क्यों? क्योंकि जो लोग आज पार्लियामेंट में या जो लोग आज डिसीजंस ले रहे हैं या जो लोग आज गवर्नमेंट चला रहे हैं वो कब तक डिसीजंस ले सकते हैं? जब तक वो पार्लियामेंट का सपोर्ट एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, अगर पार्लियामेंट का सपोर्ट हट गया तो ये लोग अपना काम नहीं कर सकते। पार्लियामेंट जो होता है हाईएस्ट फोरम होता है। क्या होता है? हाईएस्ट फोरम। किस चीज का? डिस्कशन और डिबेट का। किस चीज का? डिस्कशन और डिबेट का। किस चीज पे डिस्कशन और डिबेट? दो चीजें, पब्लिक इश्यूज और नेशनल पॉलिसी। किस चीज पे? पब्लिक इश्यूज और नेशनल पॉलिसीज। इज दैट क्लियर? सो पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसीज। क्लियर है? बोलो, कोई परेशानी? इन इंडिया व्हाट इज द नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड? तो इट्स कॉल्ड पार्लियामेंट। और स्टेट लेवल पे उसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर्स और लेजिस्लेटिव असेंबली। इसलिए जो लोग पार्लियामेंट में इलेक्ट होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एमपीस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और जो लोग स्टेट लेवल पे इलेक्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं? एमएलएस, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है ना? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो हमने बोला दो हाउसेज होते हैं या दो चेम्बर्स होते हैं। पहला हाउस होता है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल और ये रियल पावर एक्सरसाइज करता है ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। जो सेकेंड हाउस होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है और उसके पास सिर्फ कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं। तो जो हाउस ऑफ द पीपल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोकसभा। और जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? राज्यसभा। आ रही बात समझ में? अब लोकसभा को, राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं? अपर चेम्बर भी बोलते हैं। लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं? लोअर चेम्बर या लोअर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है ना? और जितने भी लॉज हमारे यहाँ बनते हैं वो हमेशा किसकी असेंट के लिए जाते हैं या किसने सिग्नेचर के लिए जाते हैं? तो हमने कहा प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए जाते हैं। प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का क्या नहीं होता? मेंबर नहीं होता। लेकिन जब तक वो साइन नहीं करेगा तब तक क्या होगा? कोई भी लॉ एनफोर्समेंट में नहीं आएगा। दोनों हाउसेज में ज्यादा पावरफुल कौन होता है? हमेशा याद रखना है लोकसभा। एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है क्या? व्हाई इज लोकसभा मोर पावरफुल देन राज्यसभा? वन। या फिर आ सकता है विच हाउस इज मोर पावरफुल? जस्टिफाई। तो अभी हम जो आगे के तीन चार आंसर्स पढ़ेंगे वो चारों मिलाकर एक आंसर बनता है, दैट हाउ इज लोकसभा मोर पावरफुल देन राज्यसभा। क्लियर है? पहली बात, व्हाई इज लोकसभा मोर पावरफुल देन राज्यसभा? तो हम लोगों ने बोला लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर इन केस ऑफ मनी मैटर्स। अगर लोकसभा ने क्या करा है? बजट पास कर दिया है या कोई मनी रिलेटेड लॉ पास कर दिया है तो राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। इट कैन ओनली डिले इट फॉर 14 डेज, सजेस्ट चेंजेस। लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट द चेंजेस। ठीक है, सेकेंड, लोकसभा जो होती है वो किसको कंट्रोल करती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती है। इस बात का क्या प्रूफ है? वो बंदा जो मेजोरिटी मेंबर्स ऑफ लोकसभा का सपोर्ट एंजॉय करता है उसी को हम लोग क्या बनाते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। अगर सबने बोल दिया लोकसभा मेंबर्स ने क्या कि इनके पास ये जो है इनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या है? कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट। आई बात समझ में? ठीक है,
अब हमने देखा मनी मैटर में किसका सिर ज्यादा रहता है, लोकसभा का। राज्यसभा उसको क्या कर सकती है, बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए डिले कर सकती है, लेकिन चेंजेस उनको एक्सेप्ट करने होंगे तो ही करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। सेकंड हम लोगों ने देखा लोकसभा क्या करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती है, और अगर लोकसभा के मेंबर्स ने बोल दिया कि उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या नहीं है कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इंटायर काउंसिल इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर वुड हैव टू क्विट, और कोई भी ऑर्डिनरी लॉ क्या होता है दोनों हाउसेस से पास होता है, और अगर दोनों हाउसेस ने शांति से पास कर दिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी हुई तो ज्वाइंट सेशन होगा। अब ज्वाइंट सेशन में क्या होता है, क्योंकि नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स क्या होते हैं ज्यादा होते हैं, तो जो लोकसभा का व्यू रहता है वही क्या करता है डोमिनेंट रहता है, बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ मेंबर्स एज कंपेयर टू राज्यसभा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो लोकसभा होती है वो क्या होती है राज्यसभा के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट को हम लोग एग्जीक्यूटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है रोज गवर्नमेंट लॉज नहीं बनाती, लेकिन रोज क्या होता है गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे बंदे रहते हैं जिनको डे टू डे डिसीजन लेने रहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, और वो फंक्शनरीज जो डे टू डे के सारे डिसीजन लेंगे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ये एग्जीक्यूट करते हैं गवर्नमेंट की सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, इसलिए जब हम लोग गवर्नमेंट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो लीडर्स होते हैं जिनको हमने इलेक्ट किया है, और वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के क्या होते हैं इंचार्ज होते हैं, जो उन मिनिस्ट्रीज में स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग लेंगे। आ रही बात समझ में। दूसरे होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स रहते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, डीपीएस, ये सारे लोग जो रहते हैं ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं और ये हमेशा अपना काम करते रहेंगे। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अगर इलेक्शन में हार गए तो अगली बार वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन सिविल सर्वेंट्स कभी भी चेंज नहीं होते इवन इफ द रूलिंग पार्टी चेंजेस। आ रही बात समझ में। और ये क्या करते हैं दिन पे दिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को हेल्प करते हैं ताकि वो अपना डे टू डे का जो काम है वो स्मूथली कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्कस द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर या फिर हाउ इज द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड। तो हम लोगों ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है हमारे देश की सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होती है, लेकिन इनके लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, तो कौन अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, तो हमने कहा प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट कर देगा एज प्राइम मिनिस्टर, तो जवाब है नहीं। तो प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है, तो हमने कहा लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिजन ऑफ पार्टी, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिजन ऑफ पार्टी दैट डिमांड्स कमांड्स अ मेजोरिटी इन द लोकसभा। इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स अ मेजोरिटी, इन केस नो सिंगल पार्टी गेट्स अ अलायंस और अलायंस गेट्स अ मेजोरिटी, द पर्सन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन मोस्ट लाइकली टू हैव अ मेजोरिटी सपोर्ट। मतलब अगर हम लोग देखें एक ही लीडिंग पार्टी है उसका लीडर क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। मानो एक लीडिंग पार्टी नहीं है, दो पार्टी का कोलिजन है, तो उस कोलिजन का जो लीडर होगा वो क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। मानो किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, किसी अलायंस के पास भी कोई मेजोरिटी नहीं है, तो ऐसा बंदा जिसका सबसे ज्यादा पब्लिक सपोर्ट है उसको आप क्या करोगे, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दोगे। प्राइम मिनिस्टर का कोई टेन्योर नहीं होता, वो जब तक पावर में रहेगा जब तक उसकी पार्टी पावर में, यानी कि जब तक उसकी पार्टी मेजोरिटी सपोर्ट एंजॉय कर रही है तब तक वो क्या रहेगा, पावर में रहेगा। क्लियर है। कैन अ पर्सन बिकम मिनिस्टर इवन इफ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यस अ पर्सन कैन बिकम अ मिनिस्टर इवन ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन ऐसे बंदे को दोनों में से किसी भी हाउसेस में क्या होना रहता है, इलेक्ट होना रहता है विद इन 6 months ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। ठीक है, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स, हम चीख चीख के बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, इसमें 60 से 80 अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग रैंक्स के। अब इन 60 में से कुछ 20 to 30 मिनिस्टर्स रहते हैं जो टॉप लेवल लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, और ये इंचार्ज होते हैं इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, जितने भी डिसीजन मेकिंग रहती है नेशनल लेवल पे वो कहाँ होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स की होती है, जिसमें कभी कभी काउंसिल मेंबर्स बुलाते हैं, कभी कभी बाकी सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं भी बुलाते हैं।
तो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो रहते हैं वही सारे मेजर डिसीजंस लेते हैं। तो ये बचे हुए मिनिस्टर्स क्या करते हैं, ये होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, जो बेसिकली क्या करते हैं, ये छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज के इंचार्ज होते हैं और ये कैबिनेट मीटिंग्स में तभी पार्टिसिपेट करेंगे जब इन्हें इनवाइट किया जाएगा, अदरवाइज ये नहीं आते। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट क्या होते हैं, ये मिनिस्टर्स होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स को क्या करते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करते हैं। अब हमने देखा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स ही क्या करते हैं, सारे मेजर डिसीजंस लेते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सिंस सारे डिसीजंस के लिए अभी 60 to 80 मिनिस्टर्स के साथ क्या नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, क्योंकि हम सबके साथ मिल नहीं सकते, तो कैबिनेट जो रहता है वो क्या होता है, एक टीम की तरह काम करता है और सारे मेजर डिसीजंस लेता है। कैबिनेट में अगर इंडिविजुअल मिनिस्टर्स के किसी भी चीज को लेके अगर एक ओपिनियन हुए भी, लेकिन किसी भी डिसीजन के लिए जो कैबिनेट होता है वो एक साथ सिंगल यूनिट की तरह खड़ा होता है, ये नहीं बोल सकता कि हम तो मना कर रहे थे ये डिसीजन, नहीं, कैबिनेट डिसीजन मतलब सारे मिनिस्टर्स क्या करेंगे, यूनानिमसली उन डिसीजंस को क्या करेंगे, हाँ बोलेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट क्या होता है, हर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरीज होते हैं, सिविल सर्वेंट्स, मतलब ये पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बे इंतहा हाईली एजुकेटेड लोग रहते हैं, ठीक है ना, ये कोई भी मिनिस्टर है अगर उसको कोई डिसीजन लेना है तो वो उसको सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हैं। आ रही है बात समझ में, कि ऐसे होगा क्योंकि मिनिस्टर्स अनडाउटेडली पढ़े हुए होंगे लेकिन उनका नॉलेज बहुत बार क्या होता है, आउटडेटेड भी हो जाता है, तो एक्चुअली जो रियल ग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो कौन प्रोवाइड करता है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, जो पूरी टीम की तरह काम करता है, कैबिनेट जिसको असिस्ट कौन करता है, ये सेक्रेटेरिएट, तो इसमें बहुत सारे सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द क्राइम मिनिस्टर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो पहली बात, ये सारी कैबिनेट मीटिंग को चेयर करता है यानी कि चेयरमैन होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का वर्क कोऑर्डिनेट करता है, कुछ भी डिपार्टमेंट, दो तीन डिपार्टमेंट में अगर डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर के डिसीजंस क्या होते हैं, फाइनल होते हैं, ये सारी मिनिस्ट्रीज का वर्क सुपरवाइज करता है कि सब जगह सब कुछ स्मूथली चल रहा है कि नहीं, ये सारे मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्रीज को वर्क रीडिस्ट्रीब्यूट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, इसके पास ये भी पावर होता है, ये किसी भी मिनिस्टर को क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, जब प्राइम मिनिस्टर क्विट करेगा तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री क्या कर देगी, क्विट कर देगी। अब ऐसे में क्या होता है, जब कोलिजन गवर्नमेंट होती है यानी कि जब दो पार्टीज मिलकर सरकार बनाती है, तो प्राइम मिनिस्टर को बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब वो उसकी पार्टी के मेंबर्स तो क्या करेंगे, उसकी बात जनरली मान ही लेंगे, लेकिन जो दूसरी पार्टी के मेंबर्स है जिनके सपोर्ट पे क्या खड़ी है, अलायंस खड़ी है, तो उनको भी इसे क्या रखना रहता है, खुश करना रहता है, तो वो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर को दो लोगों को बड़ा सुखी रखना पड़ता है, एक ही हैज टू अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स एंड फैक्शन इन हिज ओन पार्टी, कि अपनी पार्टी के भी जो छोटे छोटे मिनिस्टर्स हैं जिनके सपोर्ट से वो इलेक्शन जीता है उन्हें खुश रखो, एज वेल एज अलायंस पार्टनर्स, अलायंस पार्टनर्स को भी क्या करना रहता है, खुश रखना पड़ता है, तो ही हैज टू हीट टू द व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ कोलिजन पार्टनर्स एंड अदर पार्टीज, अगर ये इन लोगों पे और अपनी पार्टी दोनों पे क्या करेगा, इक्विवेलेंट ध्यान नहीं देगा, तो पार्टी का और गवर्नमेंट का सर्वाइवल क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेसिडेंट को हम लोग सेरेमोनियल या नॉमिनल हेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सच में सिर्फ नाम का हेड होता है ना, जिसके पावर्स सिर्फ क्या होते हैं, सेरेमोनियल होते हैं, बस साइन करनी है, ठीक है ना, किस चीज पे साइन करनी है, सबके अपॉइंटमेंट पे, प्राइम मिनिस्टर पे, चीफ जस्टिस पे, सुप्रीम कोर्ट्स के सारे जजेस पे, इलेक्शन कमिश्नर, जितने भी अपॉइंटमेंट्स है, इसमें इसका डिसीजन मेकिंग कुछ नहीं रहता, ये सिर्फ क्या करता है, सबके अपॉइंटमेंट्स पे सिग्नेचर्स करता है। आ रही बात समझ में, प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं सारे के सारे एमपीज और एमएलएस, आ रही बात समझ में, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, दो तीन बंदों को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, और एमपीज और एमएलएस इन नॉमिनेशंस में से क्या करते हैं, एक बंदे को चूज करते हैं जो क्या होता है, प्रेसिडेंट बनता है, और क्योंकि प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है बाय एमपीज एंड एमएलएस, इसीलिए वो उतना पॉपुलर मैंडेट कभी क्रिएट कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसको जनरल पब्लिक कभी इलेक्ट नहीं करती, इसीलिए वो नॉमिनल हेड ही होता है, नॉमिनल हेड मतलब जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज होगी प्रेसिडेंट के नाम पे होगी, सारे मेजर डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजंस सब पे प्रेसिडेंट की साइन होगी, सारे मेजर अपॉइंटमेंट्स जो रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, गवर्नर्स, इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर्स, सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज, ये सब प्रेसिडेंट के नाम पर होती है,
सिर्फ इसके पास एक अच्छा पावर होता है, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ द कंट्री, कि जब ये बोलेगा कि वॉर लड़नी है तो हमारी वॉर फोर्सेस को क्या करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी। व्हेन डज अ बिल बिकम्स अ लॉ, तो हम लोगों ने बोला जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करे, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसको कुछ टाइम तक क्या कर सकता है, डिले कर सकता है, पार्लियामेंट में वापस भेज सकता है, लेकिन पार्लियामेंट ने अगर बिल वापस से क्या करा, विद कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन क्या कर दिया, पास कर दिया, तो प्रेसिडेंट को इसको साइन करना पड़ेगा। ठीक है, जुडिशरी क्या होती है, तो हमने कहा अलग अलग लेवल पे जितने भी कोर्ट्स होते हैं उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, जुडिशरी बोलते हैं। कैसे लेवल होते हैं, तो हमने कहा नेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट होता है, स्टेट्स के लिए हाई कोर्ट होते हैं, इसके अलावा लोकल लेवल पे क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। हमारी जुडिशरी को हम लोग इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सारे कोर्ट्स को कंट्रोल करेंगे और उसके डिसीजन इंडिया के सारे कोर्ट्स के लिए क्या होंगे, बाइंडिंग होंगे। वो चाहे तो दो सिटीजन के बीच में कोई भी केस ले सकता है, सिटीजन और गवर्नमेंट के केस में बीच में क्या कर सकता है, कोई भी डिस्प्यूट सॉल्व कर सकता है। सिटीजन दो स्टेट गवर्नमेंट्स केरला और कर्नाटका लड़ रहे हैं, उसको भी कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट। और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, उसको भी कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करेगा। ठीक है ना, हमारे देश में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सा है, अगेन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, और किसी भी हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट वो अपील क्या कर सकता है, सुन सकता है। व्हाट डज द टर्म इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मतलब जुडिशरी ना लेजिस्लेचर की सुनेगी, ना एग्जीक्यूटिव सुनेगी, ना वो रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट की सुनेगी, यानी कि वो पार्टी इन पावर की भी बात नहीं सुनेगी, क्योंकि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, वो किसी के भी प्रेशर में आके काम नहीं कर सकती। हाउ आर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अपॉइंटेड, तो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, आ रही बात समझ में। लेकिन लेकिन वो किसको कंसल्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर को और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, आई बात समझ में। इसलिए कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इसमें बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को कौन अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, यानी कि हमको जुडिशरी को प्रेशर नहीं देना है, इसलिए जजेस को रिमूव करना भी आसान नहीं होता। और अगर आपको जज को रिमूव करना है तो आपको क्या पास करना पड़ेगा, इम्पीचमेंट मोशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज इम्पीचमेंट मोशन, तो हमने कहा कि एक बार कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अपॉइंट हो गया तो उसको रिमूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर रिमूव करना भी पड़ा तो हमको दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स इम्पीचमेंट मोशन पास करेंगे कि इस जज को हटाना है, तो ही आप उसको हटा सकते हो, अदरवाइज उसको हटा नहीं सकते। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारी जुडिशरी जो है वो बहुत पावरफुल है। क्यों पावरफुल है, क्योंकि हमारी जुडिशरी के पास पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकती है, इंटरप्रेट कर सकती है, वो किसी भी लॉ को इनवैलिड या इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है एट यूनियन लेवल, एट स्टेट लेवल, अगर उनको लगता है कि ये रूल और ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगी, हर लेजिस्लेशन की, हर लॉ की जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देगी, और वो देखेगी कि ये जो लॉ या रूल बना है ये कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए जुडिशियरी जो है ये बहुत हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंजॉय करती है अमंग पीपल। क्यों, क्योंकि कोर्ट जो है अगर गवर्नमेंट अपना कोई भी पावर मिसयूज कर रही है, कोई भी पब्लिक ऑफिशियल यानी कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी पावर को क्या कर रहा है, मैल प्रैक्टिस की तरह चला रहा है, तो क्या होगा, जुडिशरी या कोर्ट उनको क्या कर सकती है, रोक सकती है। बोलो कोई परेशानी। नेक्स्ट, रिजर्वेशन क्या होती है, रिजर्वेशन ये रहती है कि कोई एक पॉलिसी है जिसमें हम लोग बोलते हैं कुछ पोजीशंस गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुछ लोगों के लिए और कुछ कम्युनिटीज के लिए क्या है, हमने सेफ करके रखी है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, डिसएडवांटेज्ड है, उनको उतना कैपेबिलिटी नहीं है जितनी दूसरे लोगों के पास होती है। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है, जब दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाती है, ऐसा कब होता है, जब नो सिंगल पार्टी गेट्स अ मेजोरिटी। विद दिस दिस चैप्टर इज ओवर। ठीक है, तो ये अगर तुम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लोगे तो तुम्हारे सारे लॉन्ग आंसर्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट
हो जाएंगे. इज इट क्लियर?